Welcome to MathSub, my dear students. So in this video we will taking the questions on eigenvalues and eigenvectors. Okay, so in this video I am taking the questions to determine eigenvectors for non-repeated eigenvalues. Okay, अभी अगर हम इसमें bifurcation देखें जो eigenvalues and eigenvectors में they have given, तो on the basis of eigenvalues, right? There is two types of bifurcation. We are finding the values, we are finding the vectors for repeated eigenvalues and non-repeated eigenvalues, right? ये जो bifurcation है, this is based on eigenvalue, okay? और जो एक और bifurcation किया है, which I have done, और जो एक bifurcation किया है, it is on the basis of types of matrix, that is symmetric and non-symmetric. अभी इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हम समझते हैं पहले. तो क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे गए और हमें उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इट विल बी क्लियर टू यू, राइट? देखो, आइगन वैल्यूज हमें क्या मिलती है, इट मे बी 1 2 3, इट मे बी 1 1 1. सी, दिस आर द आइगन वैल्यूज. 1 2 3 हो सकती है, मे बी दिस इज 1 1 1, दिस इज मे बी 1 1 एंड -1, राइट? एंड इट मे बी 3 4 5, दिस टाइप ऑफ वैल्यूज वी हैव. तो अभी हम यहाँ क्या देखते हैं, ये फर्स्ट सेट में नॉन रिपीटेड है. नॉन रिपीटेड मतलब एक दूसरे से डिस्टिंक्ट वैल्यूज है. ये भी नॉन रिपीटेड है. यहाँ पर तीन आइगन वैल्यूज मिली है, लेकिन तीनों आइगन वैल्यूज क्या है, रिपीटेड है. यहाँ पर एक आइगन वैल्यू नॉन रिपीटेड है, बट टू इज रिपीटेड. तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, आइगन वैल्यूज के बेसिस पे हम वेक्टर्स डिटरमाइन करते हैं. अब आइगन वैल्यूज के साथ और एक टाइप आ गया है, वो है मैट्रिसेस. मैट्रिसेस में मैट्रिक्स जो है गिवन वो सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक. तो नाउ व्हाई वी नीड टू चेक दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक. तो उसका एक प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, कि अगर मैट्रिक्स जो है गिवन वो सिमेट्रिक होगा, तो उसके जो हम वेक्टर्स डिटरमाइन कर रहे हैं, इट मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, राइट? तो यहाँ पर बाइफर्केशन किसे हो गया, मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में दो टाइप्स, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक. सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक में अगेन फिर से दो टाइप, नॉन रिपीटेड रिपीटेड. बट जब नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज आती है, तब हमें मैट्रिक्स को चेक करने की जरूरत नहीं है whether the matrix is symmetric or non-symmetric. Why we don't need to check the matrix? क्योंकि अगर matrix symmetric है, तो by default symmetric matrix के डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के आइगन वैक्टर्स भी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होंगे, डेफिनेटली होंगे, राइट? लेकिन इफ वी हैव रिपीटेड वैल्यू एंड रिपीटेड वैल्यू के साथ मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, तब जाके हमारा जो आइगन वैक्टर्स निकालने का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. तो दैट वे वी हैव टू कीप इन माइंड, राइट? तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, इट विल बी क्लियर टू यू what procedure you have to follow. In this video lecture I am taking the questions for non repeated eigen values, right? हर step में एक छोटी छोटी tricks होती है, वो तुम जब question यहाँ पर solve करा हुआ देखोगे, step wise उसका explanation देखोगे, it will be clear to you. And I hope after watching this video you will be able to solve the questions of eigen values and eigen vector. So now let's start the question. So the question is here A5412. सी, मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बनाए हैं जिसमें बेसिक्स ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आई हैव कंसीडर्ड, राइट? पार्ट वन पार्ट टू करके. अगर आपको अभी भी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के बेसिक क्लियर नहीं है, सो जस्ट गो थ्रू दोस वीडियोस. इट विल हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स. ओके, नाउ द वर्किंग स्टेप्स. यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यू हैव टू राइट वेरी फर्स्ट दिस मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई, राइट? लेमडा आई मतलब क्या है, मुझे डायगोनल में एंट्रीज को माइनस लेमडा के साथ लिखना है. सो दिस कम्स 5 माइनस लेमडा 4, दिस इज 1 एंड दिस कम्स 2 माइनस लेमडा, राइट? ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप में क्या करना है, मुझे लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, दैट इज ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0. हम इसको सॉल्व करते हैं, बट नॉट बाय दिस मेथड. वी आर यूजिंग डायरेक्टली अ फॉर्मूला विच वी कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, राइट? अब वो अपने को कैसे याद रखना है, अगर यहाँ पे ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है तो हम ऑर्डर 2 का पॉलिनोमियल लिखेंगे, अगर गिवन मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है
तो हम ऑर्डर थ्री का पॉलिनोमियल लिखेंगे राइट. यहाँ ऑर्डर टू है तो हम लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस एस वन लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो राइट. प्लस माइनस प्लस माइनस, इससे इसका साइन कन्वेंशन चलता है. ऑर्डर टू का पॉलिनोमियल मतलब रेस टू टू, रेस टू वन, और यहाँ रेस टू जीरो मतलब कॉन्स्टेंट. ऑलवेज कीप इन माइंड फर्स्ट टर्म फ्री फ्रॉम कॉन्स्टेंट, लास्ट टर्म ऑलवेज डिटरमिनेंट ऑफ ए. एंड यहाँ पे मुझे मिडिल टर्म में कोफिशियंट मिलते हैं, तो यहाँ आई एम गेटिंग ओनली वन कोफिशियंट विच इज एस वन. तो एस वन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, सम ऑफ डायगोनल्स दैट इज फाइव प्लस टू सेवन राइट. सम ऑफ डायगोनल एस वन इज सम ऑफ डायगोनल, जिसको हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए भी बोलते हैं. अब हम यहाँ निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो किस निकलेगा, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस. सो व्हाट इट कम्स, फाइव टू जार टेन माइनस फोर दैट इज सिक्स. ओके, तो मुझे यहाँ पर ये क्या मिल गई, आइगन वैल्यूज लैम्डा स्क्वायर माइनस एस वन दैट इज सेवन लैम्डा प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो. सो दिस इज द इक्वेशन. अब यहाँ हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ मुझे इसके रूट्स क्या मिलेंगे, रूट्स यू कैन डिटरमिनेंट्स रूट्स यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर राइट. जब क्यूबिक रूट्स आते हैं तो हम भी उसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं तो यू कैन डू इट मैन्युअली. इट डिपेंड्स कि आप कौन से एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हो. इफ यू आर अपीयरिंग फॉर द गेट एग्जाम्स देन डेफिनेटली यू कैन नॉट यूज द साइंटिफिक कैलकुलेटर, बट इफ यू आर अपीयरिंग फॉर द इंजीनियरिंग एग्जाम साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अवेलेबल एंड यू कैन डू इट बाय कैलकुलेटर. कैसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके स्टेप्स दिए हैं, गो विद द डिस्क्रिप्शन एंड वॉच इट. नाउ इसको रूट्स निकालेंगे, तो यहाँ मुझे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस सिक्स लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो. तो यहां से मुझे मिलेगा लैम्डा माइनस सिक्स, यहां से मिलेगा लैम्डा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. सो टू रूट्स यू गेटिंग विच इज सिक्स कॉमा वन. तो ये जो मुझे रूट्स मिले हैं, दिस इज द आइगन वैल्यूज फॉर द गिवन मैट्रिक्स. ओके, यहां तुम्हारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है कि हमने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन वी फाइंड द रूट्स ऑफ लैम्डा विच इज नथिंग बट द आइगन वैल्यूज. ओके, अब व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स फॉर आइगन वैल्यूज सिक्स एंड वन. इतना क्लियर है. अब हम क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू. सो फॉर आइगन वैल्यूज हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे. तो जो फॉर्मूला होता है आइगन वैल्यू का, वो होता है ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू जीरो. ये जो एक्स है यहाँ पर, दिस इज द आइगन वेक्टर राइट. अब मुझे क्या करना है, पहले ये फॉर्मूला लिखा है तो हम ये लिख लेते हैं. तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, दिस इज फाइव माइनस लैम्डा फोर, दिस इज वन टू माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय टू का मैट्रिक्स है, इसलिए हम यहाँ पे इस वेक्टर के कंपोनेंट्स कितने लेंगे, टू. अगर थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स होगा तो हम कंपोनेंट्स कितने लेंगे, थ्री राइट. अब यहाँ नाउ वी हैव टू डिटरमाइन आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इक्वल्स टू सिक्स एंड फॉर लैम्डा इक्वल्स टू वन. तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इक्वल्स टू सिक्स. तुम लैम्डा इक्वल्स टू सिक्स पहले लो या वन पहले लो, इट्स टोटली अप टू यू. अब आइगन वेक्टर्स जब हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें याद रखना है. जैसे मैं यहाँ पर वेक्टर सॉल्व करती हूँ, विल टेल यू व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, लैम्डा इक्वल्स टू सिक्स, तो यहाँ इस मैट्रिक्स में जहां जहां मुझे लैम्डा दिख रहा है वहां मुझे क्या रखना है, सिक्स रखना है. तो यहाँ मुझे मैट्रिक्स क्या मिलेगा, माइनस वन, फाइव माइनस सिक्स इज माइनस वन एंड दिस इज फोर, दिस इज वन एंड दिस इज टू माइनस सिक्स इज माइनस फोर राइट. दिस कम्स टू बी एक्स वन एक्स टू एंड दिस इज जीरो. सो द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वो क्या है, सबसे पहली बात यहाँ इक्वेशंस देखो, इक्वेशंस आइडेंटिकल है क्या, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट. ऑल रिस्पेक्ट मतलब साइन के रिस्पेक्ट में, नंबर्स के रिस्पेक्ट में, मल्टीपल के रिस्पेक्ट में. अगर इक्वेशंस आइडेंटिकल है तो हम कभी भी आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए आइडेंटिकल इक्वेशंस यूज नहीं करते हैं. अगर आपने आइडेंटिकल इक्वेशंस यूज की टू फाइंड आइगन वेक्टर्स, तो आपको आइगन वेक्टर्स जीरो जीरो मिलते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल राइट. तो यहां देखो,
फर्स्ट रो और सेकेंड रो में यहाँ माइनस साइन का ही डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन इफ आई एम टेकन आउट माइनस साइन कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, दिस बिकम 1-4, ये भी क्या है 1-4। स्केलर मल्टीपल भी कॉमन निकालने के बाद रो आइडेंटिकल हो रही है, तो वो आइडेंटिकल रोज है। तो जब आइडेंटिकल रो है तो हम कभी भी आइडेंटिकल रो कंसिडर नहीं करते, तो हियर आई एम गोइंग टू कंसिडर ओनली वन रो, x1 + 4x2 = 0। सेकेंड भी लिया तो वो सेम ही है। अब मुझे यहाँ पर इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, दो अननोन्स है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, लेकिन दो अननोन्स के लिए आई हैव ओनली वन इक्वेशन। तो इस केस में हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज कंसिडर अ फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल मतलब आइदर x1 और x2, उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, से फ्री वेरिएबल टी एस वॉट एवर यू वॉन्ट। तो यहां मैंने आई एम कंसिडरिंग से x2 = t। ओके, अब ये जब x2 = t मैंने यहां पर रखा तो मुझे क्या मिलता है, -x1 + 4t = 0। x1 = 4t। तो यहां आई एम गेटिंग टू वैल्यूज x2 and x1। अब यहां ये तो मुझे वैल्यू मिल गई, अब ये वैल्यू मिलने के बाद हम यहां लिखेंगे वेक्टर, तो वो मुझे क्या मिलेगा, से x1 विच इज x1 = 4t, एट λ = 6। ये आइगन वेक्टर है, लेकिन यहां से मुझे दिख रहा है कि t में कॉमन ले सकती हूँ, तो जो t है ये इसका फैक्टर है, और जब हम t कॉमन लेंगे तो जो हमें मिलेगा दिस इज द बेस वेक्टर। जो हम कॉमन ले रहे हैं t, वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। सो एक्चुअली द बेस वेक्टर इज 4, 1 एट λ = 6। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक, तो दिस वे वी डिटरमाइन फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट आइगन वेक्टर एट λ = 6। नाउ सिमिलरली आई एम गोइंग टू फाइंड अनदर वेक्टर एट λ = 1। राइट, अब λ = 1 के लिए फिर से ये जो इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है, इसमें हम लैम्डा की जगह कितना रखेंगे, 1। अब जब मैंने यहाँ λ = 1 रखा तो यहाँ मुझे मिलता है 5-1 दैट इज 4, ये भी कितना है 4। हियर 1 एंड दिस इज 2-1 = 1। यहाँ पर x1 x2 एंड दिस इज = 0। अब देखो फिर से यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट रो में से 4 कॉमन लेती हूँ तो मेरी दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है। स्केलर मल्टीपल के साथ भी अगर इक्वेशन आइडेंटिकल होती है देन इट इज कंसिडर्ड टू बी आइडेंटिकल इक्वेशन। राइट, तो यहां पर जब मैंने 4 कॉमन लिया तो मुझे इक्वेशन आइडेंटिकल मिल रही है। सो अगेन आई एम गोइंग टू कंसिडर ओनली वन इक्वेशन, से x1 + x2 = 0। तुमने फर्स्ट इक्वेशन भी लिया तो 4 कॉमन निकल के इधर चल जाएगा। ठीक, अगेन वी हैव वन इक्वेशन एंड टू अननोन्स, तो हम फिर से किसी एक वेरिएबल को फ्री वेरिएबल कंसिडर करेंगे दैट इज t। तो यहां से मुझे x1 कितना मिलेगा, -t, एंड द वेक्टर से x2 इज कितना आएगा, -t एट λ = 1। हम कॉमन मल्टीपल, हम जो मल्टीपल है उसको कॉमन लेंगे तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, -1 एट λ = 1, एंड दिस इज द आइगन वेक्टर, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन हर जगह तुम्हें छोटी छोटी बातें याद रखनी है। सबसे पहला चेक लगता है यहाँ पर, जब तुम आइगन वैल्यूज निकालते हो ऑलवेज मेक श्योर कि जो तुमने आइगन वैल्यूज निकाली है वो करेक्ट है या नहीं। वो हम किसे पता लगाते, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो देखो डायगोनल एलिमेंट का सम है 7 और आइगन वैल्यू का सम भी कितना है, 7। तो ये मेरा एक फर्स्ट चेक है। दूसरा चेक है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो प्रोडक्ट मुझे मिलता है 6 और डिटरमिनेंट भी कितना मिल रहा है, 6। तो यहाँ दोनों चेक करेक्ट होते हैं, इसका मतलब जो आइगन वैल्यूज निकाली है वो करेक्ट है। राइट, उसके बाद जब तुम आइगन वेक्टर्स निकालते हो करस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यूज, सो यू हैव टू कीप इन माइंड नेवर एवर कंसिडर टू आइडेंटिकल इक्वेशन फॉर गेटिंग वेक्टर। इफ यू कंसिडर टू आइडेंटिकल इक्वेशन द वेक्टर आइगन वेक्टर यू गेट ऑलवेज 0-0, और कभी भी आइगन वेक्टर 0-0 नहीं होते हैं। इसलिए तुम्हें कभी भी आइगन वेक्टर 0-0 मिल रहे हैं दैट मीन्स यू डिड मिस्टेक। क्लियर,
तो यहाँ हम एक ही इक्वेशन कंसिडर करेंगे. एक इक्वेशन जब कंसिडर करी तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा, एक इक्वेशन दो अननोन्स, एक को हम फ्री वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू निकालेंगे, एंड दिस वे यू डिटरमाइन आइगन वेक्टर्स. सिमिलर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू वन. ओके, वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर फॉर द 3x3 मैट्रिसेस, सो इट विल बी क्लियर टू यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आई एम हियर टेकिंग द सेकेंड क्वेश्चन विच इज 111021003. अब आप ये जब ये वाला मैट्रिक्स आप देखोगे तो यहाँ दिखता है कि मुझे अपर डायगोनल अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स मिलता है. अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या, हमने जब बेसिक्स ऑफ आइगन वैल्यूज वाला वीडियो लिया था तो मैंने वहां पर बताया था इफ द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनल अपर ट्रेंगुलर और लोअर ट्रेंगुलर देन द आइगन वैल्यूज आर नथिंग बट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. तो यहाँ पर मुझे मैट्रिक्स जो दिख रहा है वो अपर ट्रेंगुलर है. नो नीड टू कैलकुलेट द मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज. ओके, आई कैन राइट इट डायरेक्टली. क्या लिखेंगे हम, एज द गिवन मैट्रिक्स इज अपर ट्रेंगुलर. यू हैव टू राइट दिस अदरवाइज द मार्क्स में कट. अपर ट्रेंगुलर, देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर लैम्डा इक्वल्स टू 1, 2 and 3. जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम्हें वहां पर ये चेक करना ही है. अगर मैन्युअली इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीनोमियल एंड एवरीथिंग द वैल्यू विल बी करेक्ट डेफिनेटली, बट अननेसेसरी दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग. तो अगर मैट्रिक्स अपर लोअर ट्रेंगुलर है या डायगोनल मैट्रिक्स है देन यू कैन राइट डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट्स आर द आइगन वैल्यू. गेट इट. अब मुझे क्या करना है यहाँ पर डायरेक्टली, आई हैव टू डिटरमाइन आइगन वैक्टर्स. तो आइगन वैक्टर्स के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ए माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ ए माइनस लैम्डा है मतलब डायगोनल एंट्रीज में मुझे माइनस लैम्डा लिखना है. सो दिस इज 1 माइनस लैम्डा 1, 1, 0, 2 माइनस लैम्डा 1 एंड दिस इज 0, 0, 3 माइनस लैम्डा. एंड हियर वी हैव मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है तो यहाँ पे वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स क्या आएंगे, x1, x2, x3 विच इज इक्वल्स टू 0. अब नाउ आई एम गोइंग टू डिटरमाइन आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1. लैम्डा इक्वल्स टू 1 है मतलब जहां जहां लैम्डा है वहां तुम्हें क्या रखना है, 1 रखना है. तो यहाँ मुझे मैट्रिक्स क्या मिला, 1 माइनस 1 0 1 1 हियर 2 माइनस 1 1 हियर 1 एंड हियर 0 0 3 माइनस 1 इज 2 एंड हियर वी हैव x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0. नाउ लुक एट दिस मैट्रिक्स, वी हैव 3 रोज 1 2 3 आउट ऑफ विच फर्स्ट एंड सेकेंड रो आर सेम. ठीक है, तो जब हम यहाँ पर आइगन वेक्टर्स निकालेंगे तो वी नेवर कंसिडर दिस टू इक्वेशंस टूगेदर. वी कंसिडर इधर 1 और 3 और 2 और 3. अगेन आई एम सेइंग यू, अगेन आई एम टेलिंग यू, कभी भी आइगन वेक्टर्स के लिए तुम्हें दो आइडेंटिकल इक्वेशंस कंसिडर नहीं करनी है. राइट, अगर ऑल थ्री इक्वेशंस आइडेंटिकल है तो वी कंसिडर ओनली 1 इक्वेशन. राइट, लेकिन यहां पर आइडेंटिकल इक्वेशंस कंसिडर नहीं होगी. तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशंस आइदर ऑफ 1 और 2 एंड थर्ड इक्वेशन. सो आई एम गेटिंग हियर दिस इज 0x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन आई एम गेटिंग हियर 0x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक, जब हमें दो इक्वेशन मिलती है तो हम यहाँ पे क्रेमर रूल अप्लाई करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मुझे ऑल थ्री इक्वेशंस अनआइडेंटिकल मिल रही है तो क्या करेंगे. तो उस केस में यू हैव टू कंसिडर एनी टू इक्वेशंस, इधर फर्स्ट एंड सेकंड और सेकंड एंड थर्ड और फर्स्ट एंड थर्ड, इट्स अप टू यू. उससे क्वेश्चन कुछ भी गलत नहीं होता है, बट द कंडीशन नेवर कंसिडर टू आइडेंटिकल इक्वेशन. राइट, अब यहाँ पर जब दो इक्वेशंस है और मेरे पास 3 अननोन्स है तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं क्रेमर्स रूल. विच रूल्स आई एम गोइंग टू अप्लाई, क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूल की हेल्प से हम ये वेक्टर्स डिटरमाइन करते हैं. क्रेमर्स रूल क्या होता है, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, x1 इक्वल्स टू माइनस x2 इक्वल्स टू x3. मिडिल टर्म ऑलवेज कम्स विद माइनस साइन. अब क्या करना है, जब तुम वैल्यूज निकाल रहे हो x1 को हाइक करो
और इनके कोफिशियंट्स को मल्टीप्लाई करो. दिस इज 2 माइनस 0, सो आई एम गेटिंग हियर 2. अब जब x2 कर रहे तो x2 को हाइड किया तो मुझे मिलता है 0 0, राइट. देन x3 को हाइड किया, अगेन यू गेटिंग 0 0. सो दिस वे ये जो डिनोमिनेटर्स है दिस आर द आइगन वेक्टर. कभी कभी इसका प्रोसीजर दिस वे दे आर फॉलोइंग. तो यहां पर x1 की वैल्यू 2t, x2 की 0 एंड x3 की भी कितनी मिलती है 0. व्हेन यू गोइंग टू राइट दिस वेक्टर 2 3 0 0 एट लैम्डा इक्वल्स टू 1, तो हम यहां से फिर से t जो स्केलर मल्टीपल है वो कॉमन लेंगे एंड फाइनली यू गेट द आइगन वेक्टर इज 2. 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहां मुझे मिलेगा 1 0 0 एट लैम्डा इक्वल्स टू 1. जो भी स्केलर मल्टीपल हम कॉमन लेते हैं उसके बाद जो हमें मिलता है दिस वी कॉल्ड बेस वेक्टर, बेस आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1. ओके, सिमिलरली अब हम किसके लिए डिटरमाइन करेंगे आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2. दिस इज माय सेकंड वैल्यू. अब इसके लिए भी मुझे क्या करना है, फिर से ये मैट्रिक्स में जहां जहां लैम्डा है वहां कितना रखना है, 2 रखना है. तो मुझे क्या मिलता है, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 1 1 हियर 2, देन 2 माइनस 2 इज 0 एंड दिस इज 1 एंड लास्ट में 0 0 3 माइनस 2 इज 1 एंड हियर वी हैव x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 0. नाउ सी, यहां पर फिर से मुझे लास्ट की दो रो आइडेंटिकल मिल रही है, तो हम लास्ट की दो रो आइडेंटिकल है इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे. सो वी आर कंसिडर फर्स्ट 2. तो यहां मुझे मिलेगा मल्टीप्लीकेशन के साथ माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट मिलेगा मुझे 0x1 प्लस 0x2 प्लस एक्स थ्री इक्वल्स टू 0. अगेन यू हैव टू अप्लाई क्रेमर्स रूल. तो क्रेमर्स रूल सेज व्हाट, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू x3, राइट. x1 को हाइड किया दिस इज 1, x2 को हाइड किया माइनस 1, x3 को हाइड किया 0 0. ये माइनस से माइनस कैंसिल. तो यहां मुझे वेक्टर्स जो मिल रहे, यू कैन राइट इट डायरेक्टली, दिस डिनोमिनेटर्स आर नथिंग बट दी वेक्टर्स 1 1 0 एट लैम्डा इक्वल्स टू 2. गेट इट. तो ये मुझे मिल गया सेकेंड आइगन वेक्टर एट लैम्डा इक्वल्स टू 2 डिनोटेड बाय x2. फर्स्ट लैम्डा, फर्स्ट आइगन वेक्टर, सेकेंड आइगन वेक्टर. नाउ वी डिटरमाइन थर्ड आइगन वेक्टर विच इज एट लैम्डा इक्वल्स टू 3. लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए हम फिर से क्या करेंगे, इसी गिवन मैट्रिक्स में जहां लैम्डा है वहां कितना रखेंगे, 3. तो अब मुझे क्या मिलता है, फर्स्ट आई एम गेटिंग 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 1 1, यहां पर 0 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 1 एंड लास्ट 0 0 3 माइनस 3 इज 0 एंड हियर वी हैव x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0. अब देखो ये मैट्रिक्स में मुझे दो रो अनआइडेंटिकल मिल रही है और थर्ड रो जो मिल रही है वो 0 0 0 मिल रही है. अगर तुम्हें रो 0 0 0 मिलती है तो भी मुझे वो रो कंसिडर नहीं करना है फॉर डिटरमाइनिंग आइगन वेक्टर. सो हियर आई एम कंसिडरिंग दिस 2 रो. तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 एंड द नेक्स्ट इज 0x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0. सो ऑन अप्लाइंग क्रेमर्स रूल दिस इज x1 माइनस x2 एंड हियर वी हैव x3. x1 को हाइड किया 1, माइनस 1 माइनस माइनस बिकम प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन आता है, 1 माइनस माइनस 1 दिस बिकम प्लस का 2. x2 को हाइड किया माइनस 2 दिस बिकम 0, x3 को हाइड किया दिस इज प्लस का 2 दिस इज 0. ओके, यहां ये माइनस से माइनस कैंसिल. तो यहां मुझे वेक्टर्स क्या मिलते हैं, x3 इज इक्वल्स टू 2 2 2 एट लैम्डा इक्वल्स टू 3. 2 इसका स्केलर मल्टीपल है, कॉमन ले लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, x3 इज इक्वल्स टू 1 1 1 एट लैम्डा इक्वल्स टू 3. सो दिस 3 आर द आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, लैम्डा इक्वल्स टू 3
and lambda equals to 2. I hope you understand this video and will be able to solve the questions of eigenvectors for non-repeated eigenvalues. Thank you so much for watching my video. If you like my video, then please subscribe my channel.